नमस्कार, मैं संपदा और आप देख रहे हैं वी नेशन। भारत में कोविड 19 की दैनिक संख्या मंगलवार को 30,000 के नीचे गिर गई है। पिछले 24 घंटे में 27,409 नए मामले दर्ज किए गए। सक्रिय कोविड 19 गिनती अब कुल मिलाकर संक्रमणों के 1% से कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार 347 ताजा मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,09,358 हो गई। पिछले 24 घंटों में वायरल संक्रमण से 82,817 लोग ठीक हो गए। मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि कुल ठीक होने वाले 97.82% की दर से 4,17,60,478 हो गए हैं। देश भर में कोविड 19 मामलों की गिरावट के साथ कई राज्यों ने कर्फ्यू समाप्त कर दिया है और प्रतिबंधों में ढील दी है, जिससे स्कूलों, दुकानों, सिनेमा हॉल और अन्य गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति मिली है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने की अनुमति दी है, जबकि आंध्र प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और असम उन राज्यों में शामिल है जिन्होंने नाइट कर्फ्यू हटा दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार।